दोस्तों नमस्कार, बी योर मनी मैनेजर ऑडियो न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार आज हौंदे मुंह गिरे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 448 अंक लुढ़क कर 31,922 के स्तर पर, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 158 अंक फिसल कर 9,964 के स्तर पर बंद हुआ। अगर आपके पास स्टेट बैंक और ICICI बैंक का ATM कार्ड है और आप IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो अब यह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। दरअसल IRCTC ने सुविधा शुल्क के बंटवारे के मुद्दे पर SBI और ICICI के ATM समेत 6 बैंकों के ATM से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी है। IRCTC चाहता है कि वह सुविधा शुल्क पूरा का पूरा खुद रख ले, जबकि कुछ समय पहले ही दोनों पक्षों के बीच सुविधा शुल्क के रकम की आधी आधी बंटवारे की बात हुई थी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स से। अगर आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या फिर इनकम टैक्स से जुड़े काम ऑनलाइन करते हैं तो आप अपना प्रोफाइल और डिटेल्स अपडेट कर लें। दरअसल इनकम टैक्स ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इनकम टैक्स पेयर्स को अपना प्रोफाइल और डिटेल्स अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट का पता मैं आपको बता देता हूं। यह वेबसाइट है www.incometaxindiaefiling.gov.in। अब बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच की रिपोर्ट की। सुस्ती के दौर से गुजर रही भारतीय इकोनॉमी में जान फूकने के लिए कर्ज की दरों में और कटौती की सख्त ज़रूरत है, यह कहना है बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच की ताज़ा रिपोर्ट का। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर से लेकर अगले साल मार्च तक कर्ज की दरों में कम से कम 4.5% और अगले साल अक्टूबर तक कम से कम 0.5% की ज़रूरत है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टेट बैंक SBI लाइफ इंश्योरेंस का IPO आज बंद हो गया। IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जितने शेयर्स बिक्री के लिए जारी किए गए थे उसके मुकाबले मांग करीब 1.5 गुना ज़्यादा रहा। यह IPO 20 तारीख को खुला था। इस IPO का प्राइस बैंड 685 से लेकर 700 रुपये प्रति शेयर था। तो बी योर मनी मैनेजर ऑडियो न्यूज़ में आज इतना ही। नमस्कार।